यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बोईसर भंडारवाड़ा सेवाश्रम विद्यालय में कोविड टीका लगवाने गई महिला के हाथ में लगी चोट, लगवाने पड़े टांके। पालघर जिले में कोरोना के रोकथाम के लिए टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। निजी क्षेत्र में वैक्सीन की उपलब्धता कुछ ज़्यादा तो सरकारी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम होने से स्थिति दयनीय बनी हुई है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जैसे ही निःशुल्क टीकाकरण होने की बात सामने आती है, बड़ा हुजूम रात से ही कतार में टकटकी लगाए खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर निजी टीकाकरण केंद्रों पर पैसा देने के कारण अफरा तफरी बहुत कम ही नज़र आती है। शासन की ओर से आवश्यकता अनुसार सक्षम लोगों से निजी टीकाकरण केंद्रों से टीका लेने का आह्वान भी खूब किया जा रहा है। शुक्रवार 27/8/2021 के दिन समूचे पालघर में 75 जगहों पर जिलाधिकारी पालघर के आदेश के अनुसार सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोविशील्ड का पहला खुराक और 10% दूसरा खुराक का टीकाकरण होना था। औद्योगिक शहर बोईसर पश्चिम स्थित भंडारवाड़ा सेवाश्रम विद्यालय में 300 लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से पहले डोज और 10% दूसरे खुराक की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, लेकिन आपको बताते चले कि प्रशासन की बद इंतजामी के कारण कोरोना काल के नियमों की अनदेखी के साथ तकरीबन 600 से अधिक लोगों की भारी भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर देखी गई। इतनी भीड़ भाड़ के बीच एक महिला धक्का मुक्की में जख्मी हो गई, जिसके हाथ में तेज घाव हो गया, जिस कारण महिला के हाथ में टांके लगवाने की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। मुफ्त टीकाकरण की आस में वैक्सीनेशन सेंटर में जमा होती बेतहाशा भीड़ व नियमों की अनदेखी न जाने कब बड़ी मुसीबत को दावत दे दे, इस बात की ओर आला अधिकारियों को फौरन ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही गरीब तबके को टीकाकरण में सहूलियत कैसे होगी, इस बात का भी प्रशासन को गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। बोईसर सेवाश्रम विद्यालय भंडारवाड़ा में चल रही टीकाकरण केंद्र के कारण नए सत्र में छात्रों के प्रवेश के लिए हो रही भीड़भाड़ के कारण असुविधा से स्कूल प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार स्कूल प्रशासन ने पत्र लिखकर असुविधाओं से प्रशासन को अवगत कराने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे मेरे को यहाँ की ग्राम पंचायत दो है, कोई सुविधा नहीं दे रही। यहाँ के जो कलेक्टर है, कलेक्टर साहब हमारे माननीय, वो भी सुविधा नहीं। यहाँ पब्लिक को चोट लग रहा है, यहाँ खून गिर रहा है। देखो चप्पल, इधर देखो चप्पल, बाहर कितनी पब्लिक है, अंदर कितनी पब्लिक है, उधर कितनी भीड़ लगे, किसी को मिल नहीं रहे। ये हमारा रूल है, हमारा रेगुलेशन। ग्राम पंचायत क्या कर रही है, एकदम शांत बैठे। प्लीज आप लोग से सपोर्ट है, कृपया करके सपोर्ट करे हम लोग को और पब्लिक को वैक्सीन दे, ऐसा नहीं कि नहीं दे। प्लीज धन्यवाद। ये हमारे सारे बिना खाए पिए बैठे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। इनका भी कुछ ऐसा नहीं है, दिन भर से इधर खड़े हैं। इनका भी कुछ देखिए सर, ये मतलब बिना खाए पिए खड़े सपोर्ट कर, इधर जनता खड़ी है, किसी को वैक्सीन नहीं मिला, सब लाइन में झगड़ रहे, मारपीट कर रहे, किसी का ब्लड निकल रहा है, किसी का खून, किसी का सर। यहाँ प्रेग्नेंट औरत आ रही है, छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहे, किसी का सर फट रहे। ये हमारे सर, हमारे जबीर भाई है, ये लोग भी दिन रात से सेवा में लगे हुए, ऐसा नहीं लगे, दिन रात से सेवा कर रहे। उधर भी यहाँ ऐसा हो रहा है, जो बड़े लोग हैं, जो अपने अपने खास खास आदमी लोग को घुसा रहे, यहाँ गरीब पब्लिक को घुसा ही नहीं रहे, सीधा पहला इधर। सर आपको बताना चाहते, प्लीज कोऑपरेट करें। यहाँ पहले से 12वीं तक बहुत से लड़के पढ़ने के लिए आता है, उनका 12वीं का 10वीं का फॉर्म भरने का भी काम चालू है, दाखिला देने का भी काम चालू है, और हर हमेशा वो कार्यालय में आके वैक्सीन का क्या होने वाला है, तो क्या हम लोगों ने एक सहायता सभी नागरिक को मिलना चाहिए, हमारा ऐसा मन नहीं था, इसलिए हम ग्राम पंचायत को बोला ठीक है चालू करो, लेकिन ऐसा अगर माहौल होता होगा तो फिर हमारे बच्चे भी अगर उनको अगर कुछ हो जाएगा, कोई जो उसमें घायल हो जाएगा, तो इसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं। इसलिए मैंने ग्राम पंचायत को लेटर लिख दे दिया है, उनका नोडल ऑफिस उनको भी लिख दिया है, आप दूसरे व्यवस्था कीजिए। आ रहे हैं ना, बच्चे लोग कैसे आएंगे। देखो पब्लिक
यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है, बट यहाँ पर कुछ बच्चे एडमिशन के लिए भी आ रहे हैं बट उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, उनको गेट के बाहरी रोका जा रहा है, ऊपर लिया जा नहीं रहे यहाँ के जो लोग है और नहीं लेने दे रहे, वो बोल रहे कि हमको एडमिशन कराना, हमको कुछ और काम करना है, बट उनको लिया जा रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं हमारा ग्राम पंचायत, हमारे सर लोग क्या कर रहे हैं, सब निरस्त है, ये हमारे प्रिंसिपल सर है, ये हमारे इधर सर लोग है, ये लोग ऐसा बोल रहे, फिर कैसे चलेगा। प्लीज आप लोग कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।